हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यादगार चीज़ें हैं, वो है ताड़ के बीज कैसे खाते हैं। तो ताड़ सब जानते हैं, ताड़ के जो बीज होते हैं वो सबको पता है, और जिसको नहीं पता है मैंने पीक डाला है। ताड़ ऐसे होते हैं, इसकी जो अंदर का जो बीज है वो दो या तीन निकलती है, एक बीज में से भी दो तीन पार्ट्स निकलते हैं ऐसे। इसको मिट्टी में गाड़ना होता है, यहाँ पे मिट्टी तो हमें मिलेगा नहीं, तो मैं पौधे लगाने वाला जो मेरी बनाया हुआ है उस पर मैंने गाड़ा था। 2 महीने के बाद मैं इसको निकाल ली। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इसके अंदर वाला जो पार्ट्स निकलेगा वाइट कलर का, वो खाई जाती है। काफ़ी हार्ड होता है, काटना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं काट के आपको दिखाऊँगी। ये दिखाने का एक ही मतलब है, कुछ यादें हैं ना। जब हम गाँव रहते थे तो दादी जो है हमें ये चीज़ें निकल के खिलाती थी भाई बहन को। तो मैं बस अपने बेटे को बताने वाली थी कि ये चीज़ें खाई भी जाती है, आप देखो क्या निकलता है इसमें से, और ये चीज़ को खाई जाती है। हम कितने भी गांव से दूर रहें और अलग हो जाए, कुछ मेमोरी ऐसे होती है ना कि कभी भुलाए से भी नहीं भूलते। कुछ यादें ऐसी होती है जो हम कितने भी दूर हो जाए घर से या गांव से, वो चीज़ें हमारा साथ ही रहता है ज़िंदगी भर, और हम वो चीज़ें भूलना भी नहीं चाहते ना। देखिए कितना सुंदर वाइट कलर का ये है, मैं धुल के दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा सा निकालते टाइम गंदा हो जाता है, बाद में आप धुल के भी खा सकते हैं। ये देखिए ऐसे वाइट कलर का, ये मीठा मीठा सा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमक नमक सा ऐसे कुछ टेस्ट आता है इसका। जैसे सिंघाड़ा का नहीं आता, सिंघाड़ा वाला जो पानी में होता है ना, वो सिंघाड़ा होता है, वो उस टाइप की कुछ टेस्ट आएंगे इसमें आपको। ये देखिए, तो ये बड़ा हार्ड था, मुझे बहुत मेहनत से काटनी पड़ी। देखिए इस तरह से भी नहीं कट रहा था ये, तो ईंट से मैंने इस पर मारा और फिर उसके बाद ये रहा, ऐसे निकली। मैंने तीनों बीज को काटा और उसके अंदर वाले जो पार्ट्स है वो निकाल ली, इस तरह से निकाल के। ये देखिए मैं धुल ली और फिर नीचे ले आई और फिर मैंने सबको दिखाया और सबको दिया भी।